हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को पानीपत जिले को बड़ी सौगात दी। सीएम ने पानीपत पहुंचकर करीब 227 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ हुआ शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा, राज्यसभा सांसद कृष्णा लाल पवार, राज्य मंत्री सुभाष सुधा, विधायक प्रमोद विज मौजूद रहे। सीएम नायब सैनी ने अपने संबोधन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं रही। सरकार ने हमेशा सबका साथ सबका विकास किया। करीब 227 करोड़ की योजनाओं के अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने शहरी विधायक प्रमोद विज, पंचायत एवं सहकारिता मंत्री महिपाल ढांडा की मांग पर 10-10 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाने की दोनों विधानसभा में अनुमति दी। वहीं इस दौरान सीएम नायब सैनी ने अपनी सरकार के विकास कार्यों को गिनवाते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला करते नजर आए। सीएम सैनी ने कहा कि पिछली सरकारों में भेदभाव पनपता था, हमारी सरकार में एक समान विकास हुआ है। पिछले लगभग 10 साल से विकास कार्य लगातार चल रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार ने 100-100 वर्ग गज के प्लॉट देने की तो घोषणा जरूर की थी, लेकिन आज तक सरकार प्लॉटों पर कब्जा नहीं दिला पाई, लेकिन वर्तमान सरकार ने यह सुविधा भी आम जन को दी। सीएम सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार नेतृत्व में देश विकास कर रहा है। वहीं सीएम सैनी ने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों से अपील करते हुए कहा कि विकास कार्यों में केंद्र व हरियाणा की सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता को भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए। आज मेरा ये परम सौभाग्य है कि पानीपत की इस ऐतिहासिक नगरी में आज 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन भी हुए हैं और शिलान्यास भी हुआ है। सरकार की जो सोच है कि विकास को प्राथमिकता देना, प्रदेश को विकास की एक नई गति देना, पिछले अगर हम लगभग 10.5 वर्षों का कार्यकाल देखें, हरियाणा ने एक विकास में नई करवट ली है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में हरियाणा ने भी विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जो लोगों की जरूरतें, लोगों को जो आवश्यकताएं, जिनसे उनके जीवन में तब्दीली आए, ऐसे वो सब कार्य बड़ी गति से हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश और प्रदेश के भौतिक विकास का पैमाना माना जाता है। यही नहीं, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वहां रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की पहली शर्त है। मुझे यह भी खुशी है कि यह उद्योग और निवेश को आकर्षित और प्रदेश को, अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। हरियाणा प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के बलबूते पर ही अपनी 8% की विकास दर को लगातार बनाए हुए है। अगर हम देखें पूरे देश में ये आर्थिक विकास की दर ये 6.7% है। हरियाणा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो अपनी विकास दर को 8% तक बनाए हुए है। ये हमारी सरकार का लगातार प्रदेश में एक गति से जो विकास कार्य चल रहे हैं और बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, इस बात को भी हमने समझना है। मुझे पानीपत के बढ़ते हुए विस्तार के साथ साथ यहां पर बुनियादी सुविधाओं का भी बहुत जरूरी है, इसलिए आज लगभग जो 227 करोड़ 83 लाख रुपए के विकास कार्य हुए हैं, इनमें से मुझे ये आप लोगों को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 32 परियोजनाओं के आज हमने पानीपत के अंदर उनके उद्घाटन भी किए हैं, शिलान्यास भी किए हैं, जिसमें लगभग 19 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। 19 ऐसे कार्य हैं
जिनका हमने उद्घाटन 36 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से हमने इन 19 परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है, ये पानीपत के लोगों को समर्पित की है। मुझे ये भी खुशी है कि 158 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास भी किया है। ये विकास में एक बड़ी गति से ये पानीपत भी ये आगे बढ़े, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से लगातार विकास कार्यों में तेजी लाए हुए है। विकास का यह दौर हम पूरे प्रदेश में पिछले 7.5 वर्षों से चलाए हुए हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हम देखते थे पूर्व की सरकारों में यह भेदभाव पनपता था, परंतु आप जानते हैं कि हमारी सरकार से पहले विकास और जन कल्याण की योजनाओं में भी बड़ा भेदभाव होता था और इस प्रकार की चर्चाएं वो रहती थी कि भाई एक ही क्षेत्र का काम हो रहा है, बाकी पूरे प्रदेश की अनदेखी की जा रही है, परंतु बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश का समान रूप से विकास अगर कोई सरकार कर रही है, यह डबल इंजन की सरकार हमारी लगातार हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जब हमने 2014 में प्रदेश की जनसेवा का दायित्व ग्रहण किया था तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी। हमें विरासत में संवेदनहीन प्रशासन मिला था, हमें झज्जर अर्थव्यवस्था मिली, सहकारी ढांचा तहस नहस था, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में चल रहे थे, विकास और नौकरियों में क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद का बोलबाला था। हमारी सरकार ने 7.5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओजस्वी मार्गदर्शन में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन पर चलते हुए पूरे प्रदेश की इन 7.5 वर्षों में तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के हर व्यक्ति को अपना माना है। ताजा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।